चैनल। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि चिकू बेबी का फर्स्ट बर्थडे आ रहा है, तो इसी खास मौके पर आज हम जा रहे हैं चिकू बेबी का इंटरव्यू लेने। तो आज से ठीक एक साल पहले चिकू बेबी मम्मा के पेट में था, तो चलो चिकू बेबी से उसका बर्थ का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो आज हमारे साथ चिकू बेबी यहाँ पे मौजूद है, तो हम इससे पूछेंगे कि एक साल पहले तेरा बर्थ एक्सपीरियंस कैसा था। चिकू बता, देखो क्या फील हो रहा था? नहीं नहीं, मुझे नहीं बताने का है। नहीं, मुझे इंटरव्यू देने का ही नहीं है ना, मैं नहीं बता रहा। जाओ, मुझे नहीं बताने का है, मैं नहीं इंटरव्यू देने वाला। मैंने बताने वाला है कि मुझे कैसा फील हो रहा था, क्या हो रहा था, मैं नहीं बता रहा। जाओ, मैं नहीं देता इंटरव्यू। मैं ये तेरे माइक को खा डालूंगा। तो जब अभी तुम इतना फोर्स कर रहे हो मुझे, तो मैं बताता हूँ मेरा बर्थडे का एक्सपीरियंस क्या था। सो हाय फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते उस दिन से जिस दिन आपने मेरे बारे में सबसे पहले जाना था। वो दिन था वैलेंटाइन डे का दिन, जब मम्मा पापा ने अनाउंस किया था कि मम्मी का 7 मंथ कंप्लीट हो गए। मम्मी का 7 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, वो तो मेरा 7 मंथ कंप्लीट हुआ था मम्मा के पेट में। क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन तेरे मम्मी का 7 मंथ कंप्लीट हो रहा है। लड़का हूँ कि लड़की हूँ, सिर्फ भगवान को और मैं ही जानता था कि मैं लड़का हूँ। बाकी सब लोग सस्पेंस में थे कि लड़का आएगा कि लड़की। मैं बेड के अंदर रहकर सब की आवाज सुनता था ना, मुझे मामा की आवाज पहचान में आ गई थी, दीदी की, कृष्णा भाई की और पापा की आवाज, इन सब की आवाज में पहचानने लगा था। अंदर बैठे बैठे सब सुनता था मैं डेली। फिर आ गया वो दिन जिस दिन मम्मी का बेबी शावर था ना, मतलब वो गोद भराई की रस्म में होती वो वाली। तो हे फ्रेंड्स, हो गई मेरी सारी तैयारी और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने मम्मा को भी रेडी कर दिया है। मम्मा तो ऐसे बहुत क्यूट लग रही है आज, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है ना, मैंने रेडी किया है। तो बताओ कैसी लग रही है मम्मा? काश मैं भी मम्मा को देख पाता पेट के अंदर से, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया कि मेरी मम्मा कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। गोद भराई के रस्म के दिन मुझे लगा मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आएंगे, पर ये गोद भराई के रस्म के दिन ये लेडीज लोगों ने आज भी खेल निकाले। ये सारे लेडीज लोग मिलके पता लगा रहे थे कि मम्मा के पेट के अंदर लड़का हूँ कि लड़की, और ये डिसाइड करने के लिए इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंट भी कर डाला, जलेबी वर्सेस मिठाई पेड़ा। अब पापा को चूज करना था कि जलेबी आएगी क्या पेड़ा। अगर जलेबी आए तो लड़की आएगी और अगर पेड़ा आया तो लड़का आएगा। फिर पापा ने चूज किया ये। अरे दिशा भाई, ठीक है ना? ये लो, आप भी जलेबी खाओ, लड़की आने वाली है हमारे घर में, मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ। रुको, मुझे एक बार ना चेक कर लेने दो। हाँ, मैं तो लड़का हूँ। अरे कोई मेरी बात सुन लो, मामा के पेट के अंदर है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी। आप भी जलेबी चूज किया है तो लड़की आने वाली है ना? पेड़ा और जलेबी चूज करने पर रहता है जेंडर। और जो पहले से 5 महीने पहले से जेंडर बना के बैठा पेट में, वो क्या कभी के जेंडर चेंज कर लेगा तुम्हारे जलेबी पेड़ के चक्कर में? वाह पापा वाह, शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो पापा, मैं इधर लड़का ही हूँ, सही है सही है। इसमें कौन है? बोल बोला भाई, ये तेरा क्या बहन है? ये मेरे कृष्णा भाई ने एकदम सही पहचान लिया कि मैं मामा के पेट में उसका भाई बैठे वाला है। बहन है, बहन बहन नहीं है, मुझे जैसी प्यारी बहन आएगी। देखो बच्चे को कौन चाहिए, भाई चाहिए कि बहन चाहिए? भाई चाहिए। बहन बहन ले लेना बच्चे, बहन ले लेना। भाई नहीं, बहन आएगी। नहीं भाई आएगा। फिर आ गया वो दिन, मैं कब पैदा होने वाला हूँ उसकी डेट डिसाइड होने वाली थी, पर मेरे पैदा होने की डेट कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? जब मेरी मर्जी होगी और भगवान बोलेगा कि आप तू पैदा हो जा, तभी तो मैं पैदा होऊंगा ना। फिर बाद में मुझे समझ आया कि ये दुनिया वालों ने सीजर नाम का ऑपरेशन की टेक्निक ही बना डाली, मतलब मम्मा का पेट कट करके मुझे बाहर निकालने वाले थे ये। इतनी तकलीफ मेरे मम्मा को होने वाली थी ना, वो
तो आज हम सब के लिए है ना बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज है ना मेरी मम्मी की है ना फाइनल चेकअप होने वाली है। फाइनल चेकअप मतलब ब्लड टेस्ट कराएंगे और कोरोना टेस्ट भी कराने वाले, और आज हमें डॉक्टर बताएंगे कि डिलीवरी डेट क्या होने वाली है मम्मी की। और वैसे मैं आप सबको बताना ही भूल गई कि मेरी मम्मी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है, सीजेरियन ऑपरेशन होने वाला है। सो प्लीज़ आप मेरी मम्मी के लिए प्रे करना। मम्मा आज आपका फाइनल चेकअप होने वाला है, तो आपको कैसे लग रहा है? मम्मा को थोड़ा सा डर लग रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मम्मा के पेट में 9 महीने रहा, अभी मैं 2-3 दिन में बाहर आने वाला है ना। आप सब लोग मिलके, अभी मेरा बर्थडे भी आने वाला है 30 मार्च को, 2-3 दिन में, तो मेरे बर्थडे के दिन में भी नहीं आ सकता घर पे? हाँ, मैं तेरे बर्थडे के दिन ही आने वाला है घर में। हाँ, 9 मंथ तो कंप्लीट हो गए, मेरे बर्थडे के दिन आ जाते तो हम दोनों का बर्थडे एक साथ आ जाता। कब आएगा फिर? हम देखेंगे डॉक्टर के मन पे, और डॉक्टर जब बोलेंगे तब ऑपरेशन कर पाएंगे। ठीक, पॉसिबल हुआ तो 30 तारीख को करवाएंगे। अरे बाप रे, फिर तो मेरे बर्थडे के दिन ही आ जाएगा बेबी। तुम दोनों का साथ में बर्थडे मनाएंगे। थैंक यू मम्मी, ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट रहेगा, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इसमें रोने की क्या बात है, खुशी की बात है ना। हाँ। तो रोने की क्या बात है इसमें? खुशी वाली बात है। तो तू क्यों रो रही खुशी वाली बात में? रो तो थोड़ी है। I love you 3। तो फिर मैं मम्मा के पेट में आराम से सो रहा था, फिर अचानक मुझे आवाज आई कि पैथोलॉजी लैब में से एक बंदा आया हुआ है मम्मा का ब्लड लेने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए। और फिर उसने जैसे सुई चुभाई तो मुझे भी थोड़ा सा दर्द हुआ, क्योंकि मैं मम्मा के पेट में सोए वाला था ना। और पता नहीं डॉक्टर कब की डेट दे, और आप सबको तो पता ही है कि मेरा बर्थडे 30 मार्च को आता है, तो डॉक्टर काश ऐसा हो कि डॉक्टर है ना 30 मार्च की डेट दे दे। फिर डॉक्टर ने मम्मा के पेट पे ना वो हार्ट बीट सुनने की मशीन लगाई, और फिर देखो अभी आप लोग मेरी हार्ट बीट सुन सकते हो। मेरे को ऐसा धक धक हो रहा था क्योंकि मैं अभी बाहर आने वाला था 2-3 दिन में ये पापी दुनिया में। मामा के 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, तो मैं मामा के पेट में, मेरी भी बॉडी अच्छी खासी बन गई थी बड़ी बड़ी। मम्मा गई थी अभी हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए, तो मम्मा पापा दोनों कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिल, गाता रहे माजा दिल, तू ही माजी मंजिल। कोरोना टेस्ट कर लिया तो अभी सबको दूर रहना पड़ेगा जब तक मम्मा फ्राई फ्रेश नहीं हो जाती। कोरोना टेस्ट हुआ ना तो मैंने कोरोना के कीड़े को बोल दिया, कोरोना तेरी है इसी की तई थी, अगर मेरे मम्मा पॉजिटिव आई तो डिलीवरी की डेट को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और हमने पहले से ही फिक्स करके रखे आगे ना डिलीवरी की डेट। और फिर अभी डिलीवरी डेट क्या थी है डॉक्टर ने? डिलीवरी डेट तेरे बर्थडे की डेट है। मेरे बर्थडे की? अरे वाह, मेरे बर्थडे के दिन बेबी घर में आने वाला है। हाँ, तेरे बर्थडे में बेबी आने वाला है। कितना मजा आएगा, उन दोनों का बर्थडे हम साथ में करेंगे। अरे तो मेरे को थैंक यू बोलना, इतने राइट टाइमिंग के लिए पापा को थैंक यू बोलना पड़ेगा ना। पापा ने कैलकुलेटर पे पूरा कैलकुलेशन फिट करा था 9 महीने का पूरा, तो फिर बराबर तेरे बर्थडे के दिन ही मैं पैदा होने वाला है ना। ब्लड रिपोर्ट में ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है। मामा का ब्लड इसलिए कम हो गया क्योंकि मैं मामा के ब्लड पे ही तो बड़ा हो रहा था ना मामा के पेट में, तो जिस दिन से मामा के पेट में बेबी आ जाता है ना उसी दिन से मामा का ब्लड देके बेबी को बड़ा करती है मामा, और वही लड़का बड़ा होके मामा से पूछता है कि मम्मी आज तक तूने मेरे लिए किया क्या है, बेशरम कहीं का। जिस दिन हम मामा के पेट में आ जाते हैं ना उसी दिन हम मामा के कर्जदार हो जाते हैं, और मरते दम तक तुमको ये कर्ज चुकाना है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये दुनिया वालों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना डाली कि मामा के पेट के अंदर से ही मेरा फोटो निकाल लिया, तो ये है मेरा लाइफ का पहला फोटो। मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे घर पे है ना न्यू बेबी मेरे बर्थडे के दिन ही आ रही है, यानी कि मंगलवार के दिन। वैसे मंगलवार का दिन है ना बहुत शुभ होता है, मंगलवार का दिन माता का भी होता है और बजरंगबली का भी होता है, और ये जो न्यू बेबी आएगा, बहन होगा या फिर भाई होगा, तो वो अगर बड़ा होगा और वो देखेगा कि मैंने व्लॉग्स बनाए थे, वो कैसे पैदा हुआ था, हमने कैसे भाग दौड़ किया, हम कैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितना एक्साइटिंग है ना यार उसके लिए। और फिर मम्मा की फाइनली डिलीवरी डेट आ गई, और डॉक्टर ने दिया ना मम्मा को तेरे बर्थडे की डिलीवरी डेट दे दी, यानी कि 30 मार्च, तो हमको 29 मार्च को ही है ना हॉस्पिटल में एडमिट होने का था। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं दीदी का बर्थडे सेलिब्रेशन मम्मा के पेट में से ही देख रहा था, और अभी हमको है ना बहुत हो गया था लेट, क्योंकि है ना
ना मम्मा को अभी जाने का था एडमिट होने के लिए, क्योंकि कल सवेरे ना मम्मा का ऑपरेशन है और मैं आने वाला ना कल सुबह सुबह। दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो बढ़िया। तो फिर हमने दादा दादी का आशीर्वाद लिया और अभी हम जा रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, और सुबह सुबह मम्मा का ऑपरेशन था। मम्मा का सुबह ऑपरेशन होने वाला था ना, तो मैं रात भर मुझे नींद कैसे आएगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी से आके मम्मा और पापा से मिलना जो था मेरे लाइफ में पहली बार। फिर डॉक्टर ने मम्मा और पापा को अंदर कैबिन में बुलाया और फिर उनको बोला कि देखो अभी ब्लड तो कम है, क्योंकि ब्लड तो मैंने ले लिया ना बहुत सारा मम्मा का। तो पापा को जाना था आधी रात को ही मम्मा के लिए ब्लड लाने के लिए, तो पापा को टेंशन आ रहा था, वो मुझे अच्छे से दिख रहा था। तो दो तीन दिनों के लिए है ना हमारी ये रूम रहने वाली। एक मिनट आपको अच्छे से दिखाती हूँ। मामा को डर लग रहा था तो मामा के पेट में मुझे भी डर लगने लगा। फिर बेचारी मम्मी थोड़ी डर भी रही है ना, डर में कुछ नहीं होता है। थोड़ा नहीं डर लग रहा, अभी अच्छा लग रहा है। फिर मेरे पापा आधी रात को ही निकल पड़े ब्लड लाने के लिए। हाँ आराम से जाओ, टेंशन मत लो पापा। हाँ हाँ मैं रखती हूँ मम्मी का ख्याल, आप टेंशन मत लो। मम्मी ख्याल रखना, मैं आता सवेरे सवेरे आता 5:30 बजे, ठीक है क्या? हाँ एकदम हिम्मत देने का, फिर डरने का, ठीक है जा। हाँ, जा रही जा रही। कुछ नहीं बोले, मम्मी को हिम्मत दे और तू भी ज्यादा रो मत, मम्मी को हिम्मत देनी है। मैं बच चुकी हूँ और मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले ना मुझे मेरी मम्मा ने विश किया है हैप्पी बर्थडे। मुझे कल है ना लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है मेरे बर्थडे का। और फिर पापा को मम्मा के लिए ब्लड मिल गया आधी रात को। अभी सुबह के 5 बज रहे और अभी हमको लेके जाने वाले ऑपरेशन थिएटर में, और मैं फिर उसमें पैदा होने वाला है। ऑपरेशन का टाइम नजदीक नजदीक आ रहा है, 6:30 बजे तक मम्मी का ऑपरेशन के लिए लेके जाने वाले हैं, तो हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी पापा का वेट कर रही हूँ, पापा भी आ जाएंगे तो फिर हम मम्मी को लेके जाएंगे ऑपरेशन कराने के लिए। तो फिर मेरे पापा आ गए और वो टाइम भी आ गया जब मम्मी को ऑपरेशन करने के लिए लेके जाने वाले थे ऑपरेशन थिएटर में, और हमारी पूरी फैमिली टेंशन में आ गई थी। तो मैंने भी बोला सबको कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना मम्मा के साथ में, मम्मा के पेट में हूँ मैं मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन न करो। हेलो सिस्टर, मेक द ऑपरेशन थिएटर रेडी फॉर द ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन थिएटर के लाइट तो चालू करो। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द ऑपरेशन थिएटर। First you have to give the anesthesia injection and then you will have to start the operation. Now take the scalp and give fine chest cut below the abdomen. Don't worry dear, because Chiku baby is here, to be continued in the next video. I will keep guiding you throughout the operation. वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए।